के इंचार्ज लेकर इधर इकोनॉमिक सेक्टर सिस्टम कट्टर भी खड़े हैं, ये भी स्कूलों की वर्षा को करने के लिए तैयार है। और हम सब चाहते हैं कि विद्यालय परिवार में बहुत सारी खुशियां आए, बहुत सारे गुरुओं का भी अनुशासन में अधिकारी रहे। एसएमसी के इंचार्ज भी और साहब जो हमारे सामने खड़े हैं, इसमें है वैसा आ रहे हैं हमारे यहाँ और अपनी पालिका के साथ लगे पड़े हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय स्कूल का जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है, इसके साथ में खड़े हैं टीचर और सभी टीचर कतार में खड़े हुए हैं वेलकम के लिए। बच्चों के लिए कुछ ही समय के बाद बच्चे अभी आने वाले हैं, उनका वेलकम होगा बच्चों का। शिक्षक साथी भी पूछ कर रहे हैं हमारे साथ, आज बोर्ड का एग्जाम बच्चों का ग्रहण किया था एग्जाम था, इसलिए डिले हुआ है। बच्चे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम को भी देखना है, वो बच्चे निकल गए हैं, उनके बाद हमारे बच्चों की एंट्री होगी। मैं इतना ही कहूँगा और सारे साल का बच्चों को इधर देखो, ये बच्चों के स्वागत के लिए फूल लेकर खड़े खड़े हैं सब लोग, इधर देखिए पूरे लाइन से खड़े हुए हैं बच्चे। अभी कुछ ही देर में जो है यहाँ बच्चे जो आ रहे हैं अभी जो, तो उनका स्वागत किया जा रहा है। तो कैसे स्वागत किया जा रहा है बच्चों का, नौनिहालों का? आज हम सभी साथ अपने शिक्षक साथियों के साथ आए हुए बच्चों के लिए फूल लेकर के और उनको खत्म कर उनको ज्ञानवर्धन के लिए उत्साहवर्धन के लिए हम सभी लोग एक ही प्रकार से बच्चों को बच्चों को स्टाफ के साथ में स्वागत करते हैं। जी सर, तो ये देखिए बच्चे आ चुके हैं और लाइन लग चुकी है, अभी थोड़ी देर में एंट्री करेंगे और बच्चों को धीरे धीरे भेजा जाएगा। तो एक साथ जाएंगे तो गिरने पड़ने का डर रहेगा। हमारे सभी बच्चे
इस सत्र में खूब तरक्की करें और हमने बच्चों के साथ इमोशनल डेवलपमेंट को लेकर एक दूसरी योजना बनाई है। उसी के तहत आज पहले दिन हमने कोशिश की है कि बच्चों से हम इमोशनली अटैच हो जाएं, उनके पेरेंट्स के साथ जुड़ जाएं और निश्चित रूप से ये पहल एक सार्थक पहल है और इसके अच्छे परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। शिक्षक और छात्र अभिभावक संबंध बहुत मधुर होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। विद्यालय परिवार को सत्र के प्रारंभ के अवसर पर अपनी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद। अभिषेक जो है हमारे बिल्कुल नए टीचर हैं, अब इनके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है। तो सर ये स्वागत हुआ बच्चों का, कैसा लगा आपको जो कैसे करा आपने? जो बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पर अभी पहली बार इस स्वागत को देख रहा हूँ। सभी बालकों का, उनके अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन है। अध्यापक जीवन का एक ऐसा पक्ष होता है जिसके आगे होकर के जीवन का हर प्रकार का रास्ता निकलता है। चाहे कोई विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, चाहे वो कुछ भी करना चाहता है, उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ अध्यापक के आगे होकर के निकलता है। तो हमारा वो दायित्व है कि हम विद्यार्थी को ऐसा कुछ आगे के लिए करें जिसे इतना आगे बढ़ाए कि जीवन में वो हमारी एक नई पीढ़ी, एक नई कोर तैयार कर सके। एक बार फिर से आप सभी का हमें अभिनंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। सभी विद्यार्थियों को जो टीम है और बहुत सारे साथ शुभकामनाएं की और आगे और आगे जाए, आगे बढ़े। और आज हमारा नई शुरुआत है, तो नई शुरुआत में अध्यापक गण भी और विद्यार्थी गण भी सबके साथ एक नई शुरुआत के लिए हमें नए एफर्ट लगा रहे हैं, नई चीज़ों, नए सब्जेक्ट्स और इन सबके साथ ही एक नई उम्मीद के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। का पहला दिन है और जैसा कि हम लोगों ने सोच के रखा था कि इंगेजमेंट एक बच्चों को बना के रखना है, इमोशनल कनेक्ट बच्चों से जल्दी करना है, तो हमने कुछ वर्षा के माध्यम से सारे बच्चों का स्वागत किया है और एक इमोशनल कनेक्ट की दिशा में हमारा पहला कदम था। और इसके माध्यम से पूरे ताजा हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के साथ से जुड़ सकें और उन्हें सारी वर्षा के जुड़ में जुट करके रख सकें। तो देखो ये बच्चे आए हुए हैं मेरे साथ जो है, सभी लोग सभी बच्चे पास हो गए क्या? यस सर। तो कैसा लगा पास हो गए तो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मम्मी की पढ़ाई भाई है। कैसा लगा पास हो गए सर? बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ आप ही बताओ कौन सी क्लास में थे? और कौन सी क्लास में गए? नहीं पता नहीं चला पास हुआ नहीं, पास हो गए हो रिजल्ट तो क्या आज है। पेरेंट्स बच्चे आ गए, पेरेंट्स भी आ रहे हैं क्योंकि जो एडमिशन भी शुरू हो गया है नॉन प्लान वालों का। और प्लान वालों का तो हो ही रहा है कि जो पांचवी पास करके प्राइमरी स्कूल से आ रहे हैं उनका एडमिशन हो रहा है, तो उनके भी पेरेंट्स आए हुए बहुत सारे यहाँ पर जो है, तो उनसे भी मैं मिलवाता हूँ।